सो हे गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज संडे है, 6 अगस्त है, तो मैं रूम पे हूँ, ऑफिस की छुट्टी है, तो सोचा कि एक वीडियो शूट कर लेता हूँ। और ये जो वीडियो शूट कर रहा हूँ मैं, ये पीजी का पार्ट टू है, क्योंकि कुछ और लोगों पे भी रीच कर सके, कुछ स्टूडेंट्स वगैरह भी होते हैं, तो उनको अगर ये वीडियो मिलती है वो देखते हैं तो हो सकता है उनका कुछ फ़ायदा हो जाए। तो ये जो मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, ये चीपेस्ट पीजी पे शूट कर रहा हूँ, क्योंकि गुड़गांव में जहाँ तक मैंने पीजी देखे हैं भाई, इससे सस्ता पीजी मिलेगा नहीं। तो मैं इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ। और मेरा मेन मोटिव जो वीडियो ये बना शूट करने का है, वो ये है कि गुड़गांव जैसे शहर में भी आप सस्ते से सस्ते पीजी में रह सकते हो, विद इंक्लूड फूड। तो चलो पहले मैं आपको ये पीजी का टूर दे देता हूँ, दिखाता हूँ। तो स्टार्ट करता हूँ इस गेट से। ये गेट है, यहाँ पे मेरा बेड है, और ये अलमारी है, दो अलमारी हैं, क्योंकि ये जो पीजी है ये 4 शेयरिंग है, तो दो अलमारी हैं, तो एक पे दो आ जाती, एक अलमारी पर दो लोग अपना सामान रख सकते हैं। इधर 3 बेड लगे हुए हैं, और इस पीजी में आपको एसी भी मिलता है, अगर आपको एसी वाला रूम चाहिए तो ये है। और ये वॉशरूम है, वॉशरूम दिखा देता हूँ। वॉशरूम भी मतलब सही है, काफ़ी बड़ा है, बस ये है कि गंदा है, साफ़ सफाई नहीं हुई है अभी तक। इसमें आपको सारी चीज़ें मिलती हैं, ये गीजर भी है ठंड के लिए। अब मैं किचन दिखाता हूँ, किचन गंदा है क्योंकि साफ़ सफाई नहीं हुई है। तो ये है किचन, काफ़ी बड़ा है। ये मैंने रात में खाना वाना खाया था, मॉर्निंग की भी प्लेट सब गंदी पड़ी है, तो इनको धोना है अभी, इनको धोता हूँ। अब दिखाता हूँ बाहर, है बैल्कनी, तो ये बैल्कनी है। इधर बॉयज़ का है और इधर गर्ल्स पीजी है। मेरा 3rd फ्लोर पर रूम है, और आज का मौसम भी गज़ब हो रहा, बढ़िया मौसम है, गर्मी नहीं है, हवा चल रही है। तो भाई बैल्कनी भी बहुत बड़ी है, देख लो, यहाँ पे कपड़े डालो, कुछ भी करो, सब बढ़िया है। और ये रूम है, यहाँ से पूरा देखो रूम। तो भाई मैंने आपको पूरे रूम का टूर दे दिया है और सारी चीज़ें दिखा दी हैं मैंने, तो मतलब लगभग लगभग सारी चीज़ें ठीक हैं, बैल्कनी भी है इस रूम में। और हाँ, बैल्कनी सिर्फ फ्रंट वाले रूम को ही मिलती है, जो मतलब आगे की साइड है, बाकी जो पीछे वाले हैं उन पर बैल्कनी नहीं है। तो ये पूरा रूम है, और ये जो रूम है गर्ल्स एंड बॉयज़ पीजी दोनों के लिए है, सस्ता सबसे बेस्ट। इसका प्राइस भी बताऊंगा मैं लास्ट में। और इसमें खाने की बात करें तो खाना यहाँ पे 3 टाइम का मिलता है, मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट मिलता है, लंच मिलता है, डिनर मिलता है। अब मॉर्निंग में जो ब्रेकफास्ट होता है, हफ्ते में 2 दिन पूड़ी बनती है, मंडे को पूड़ी सब्जी बनती है, फ्राइडे को बनती है पूड़ी चना, और दिन पराठा पराठा और अचार होता है नॉर्मली। और लंच में जो होता है दाल चावल, उड़द चावल, कढ़ी चावल, छोले चावल, इस टाइप से आपको खाना मिलता है। और डिनर में जो होता है रोटी सब्जी होती है, और मंगलवार के दिन यहाँ पे खीर रोटी सब्जी बनती है, और मंडे को आई थिंक, और संडे या मंडे यहाँ पे पनीर बनता है, तो इसी टाइप से बनता है यहाँ पे। तो मतलब सस्ते में अच्छा है। हाँ, हफ्ते में थोड़ा सा खाने में आपको एडजस्ट करना पड़ता है, कि मतलब आपके टेस्ट का नहीं बन रहा है, या जिस तरीके का आप खाना चाहते हो उस टाइप का नहीं बन पा रहा है, मेरे साथ भी होता है। बट ये है कि गुड़गांव में अगर सस्ते में रहना है, चीपेस्ट में, तो आप रह सकते हो और एडजस्ट कर सकते हो थोड़ा बहुत। अब यहाँ पे जो रूम मिलते हैं 4 शेयरिंग में है, 3 शेयरिंग में है, 2 शेयरिंग में है, और सिंगल शेयरिंग है नहीं आई थिंक। तो पहले मैं बताता हूँ 4 शेयरिंग। और यहाँ पे जो है रूम जो है दो तरीके के हैं, एक तो एसी है और एक विदाउट एसी है। विदाउट एसी जो होता है उसमें होता है ओनली कूलर। तो 4 शेयरिंग की बात कर लेता हूँ, अगर आपको एसी वाला रूम चाहिए तो वो मिलेगा 5,000 में, और इसमें लाइट का बिल अलग से है क्योंकि इसमें एसी लगी हुई है। और जो विदाउट एसी है, जो कूलर वाला रूम है, वो आपको मिलेगा ओनली 4,500 में। तो भाई देख लो, 4,500 का जो रूम मिल रहा है 4 शेयरिंग में, वो भी गुड़गांव जैसे शहर में, सिटी में, तो इससे सस्ता आपको पीजी मिलेगा नहीं पूरे गुड़गांव में। और 3 शेयरिंग का जो आपको रूम मिलता है वो मिलेगा 5,500 का, वो भी विदाउट एसी। और जो विद एसी होगा आई थिंक वो 6,000 में हो जाएगा। और एसी वाला जो रूम रहेगा उसमें लाइट अलग से रहेगी, जो विदाउट एसी है उसमें लाइट इंक्लूड रहेगी। तो 5,500 का आपको अब जो पड़ेगा वो इंक्लूड लाइट पड़ेगा, और जो एसी वाला रूम पड़ेगा 6,000 का, वो विदाउट लाइट पड़ेगा। और जो 2 शेयरिंग का रूम है आई थिंक वो 7,000 का है या 7,500 का होगा, एसी होगा, मुझे थोड़ा कंफर्म पता नहीं है। बाकी जो ये पीजी है इसका नाम नावांश पीजी है। मैं इसका एड्रेस, गूगल गूगल लोकेशन और यहाँ के ओनर का नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप उनसे भी कांटेक्ट कर लेना, सारे चार्जेस पूछ लेना, रेंट वगैरह कितने हैं, प्राइसेस क्या क्या हैं, लाइट इंक्लूड है या नहीं,
तो जो भी चीज़ें हैं खाने वाने का भी आप पूछ लेना सारी चीज़ें इंक्लूड करके। और हाँ, जब आप यहाँ पे आते हो तो आपको कुछ स्टार्टिंग में सिक्योरिटी डिपॉजिट भी जमा करना होता है, जिसका प्राइस होता है ओनली 1500 रुपये। और ये जो रहता है 1500 रुपये, ये सिक्योरिटी डिपॉजिट इसलिए रहता है कि आप जब बाद में जाओ 3-4 महीने 6 महीने जब भी छोड़ के, तो ये आपको मिल जाता है बाद में, बस एज ए सिक्योरिटी होता है बस। और जिसके पास 2-व्हीलर 4-व्हीलर भी है उसको पार्किंग भी मिलेगी नीचे सारी, वो अपनी गाड़ी भी खड़ी कर सकता है आराम से, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई स्टार्टिंग में जो मैं रह रहा था, पहले मैं उद्योग विहार में था सेक्टर 20 रामचौक, वहाँ पे जो मैं रह रहा था किसी के साथ रह रहा था, मेरे जानते हुए थे, तो वहाँ पे मुझे और भी सस्ता पड़ रहा था। बट मेरा यहाँ पे ऑफिस था, ऑफिस का नाम था मेरा विल्सा है, जिसमें पहले मैं जॉब करता था, SAS टावर था यहीं पे, मुश्किल से 1 किलोमीटर की दूरी पे बिल्डिंग होगी यहीं से, यहीं पे। तो इसलिए मैंने यहाँ पे शिफ्ट किया था, और मैं एक सस्ता रूम या PG देख रहा था, या मैं सोच रहा था किसी के साथ शिफ्ट हो जाऊँगा। बट जो मेरे दोस्त थे कुछ व्हील्स आए मुझे साथ में जॉब करते थे, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि एक PG है यहाँ पे, सबसे सस्ता है। और फिर मैंने यहाँ पे देखा, मैं यहाँ पे चेक करके गया, सिक्योरिटी डिपॉजिट भी कर दी, और मेरा ऑफिस नियर बाय था, तो मेरा आने जाने का कन्विंस बचा, किराया बचा, तो फिर मैं यहाँ पे शिफ्ट हो गया। तो मैं यहाँ पे जो आया था फरवरी में आया था, और फरवरी से लेके अभी अगस्त चल रहा है, तो तब से मैं यहीं हूँ। और इस रूम में जो रहते हैं ये 3 लोग, ये भी पहले व्हील्साई में थे, जिसमें से 2 लोग व्हील्साई छोड़ चुके हैं, रिज़ाइन दे चुके हैं। अब एक सिंगल बंदा बचा है जो व्हील्साई में है, वो भी सोच रहा है छोड़ने की, क्योंकि कंपनी भी यहाँ से शिफ्ट हो गई है, तो इस वजह से वो भी सोच रहा है कि अब चेंज कर लूँ उसको, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया उसको भी जॉब करते हुए व्हील्साई में, तो अब सोच रहा है कि अलग देखता है। बाकी भाई मैंने काफ़ी जगह ट्राई किया है कि मैं दूसरा PG देखूँ या कुछ सस्ता सा PG मिल जाए, बट मैंने जितने भी PG चेक किए हैं सबसे सस्ता PG यही है। और जब मैं स्टार्टिंग में आया था तो मैं इसका रेंट दे रहा था 4500, क्योंकि उस टाइम पे AC नहीं लगा हुआ था, अभी AC लग गया है, तो 5000 प्राइस हो गया है रेंट, और लाइट अलग से है, तो मैक्सिमम मेरा जाता है 5500 चला जाता है, क्योंकि हम AC ज़्यादा यूज़ करते हैं नहीं, तो मैक्सिमम 5500 ही जाता है हमारा पूरे महीने का। वरना अगर आप यहाँ पे सिंगल रूम भी अपने लिए देखते हो तो इसका स्टार्टिंग प्राइस ही 6500 है जहाँ पे मैं रहता हूँ। और मैंने यहाँ पे काफ़ी सारे PG का भी ट्राई किया, तो मिनिमम जो प्राइस मिल रहा है 6000 मिल रहा है, उसमें लाइट अलग से है, और वहाँ पे जो खाना होता है वहाँ पे सिर्फ 2 टाइम का खाना होता है, संडे को लंच भी मिलता है, वरना मंडे से लेकर सैटरडे तक जो होता है मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट और रात का डिनर होता है बस। अगर आप यहाँ पे सिंगल रूम भी देखोगे या PG लेना चाहोगे, सिंगल रूम देखोगे तो 6500 मिनिमम प्राइस पड़ेगा, हो सकता है उसमें लाइट अलग से हो। और अगर आप सिंगल रूम PG लेना चाहते हो इंक्लूड फूड, तो वो भी मैक्सिमम जो जाता है 8-10 हज़ार का खर्चा जाता है, क्योंकि सिंगल रूम तो भाई कोई क्यों ही देगा, क्योंकि PG वाले का एक तरीके से थोड़ा सा लॉस होता है उसमें। तो भाई ये जो PG है ये राजीव चौक के नियर बाई है, यहाँ पे एक झारसा जगह है सेक्टर 39, नियर बाई मैदानता भी है, और इस PG का नाम है नावांश PG। अगर आप गूगल मैप पे भी लोकेशन डालोगे तो डायरेक्ट आपको मिल जाएगा, बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लोकेशन एड्रेस नंबर वगैरह सब कुछ डाल दूंगा, तो आप डायरेक्ट इसको ट्रैक करना और आ जाना। बाकी गूगल मैप पे डाल देना नावांश पेंगे, इसका आपको मिल जाएगा। बाकी यार यहाँ पे थोड़ा सा ये जो एरिया आता है थोड़ा सा पोर्श एरिया आता है, मतलब इतना भी पोर्श नहीं है यहाँ पे, ये है कि यहाँ पे चीज़ें महंगी हैं काफ़ी। अगर यहाँ पे कुछ फल फ्रूट भी लो तो काफ़ी महंगे मिलते हैं, बाकी नॉर्मल दाल वगैरह भी, चावल वगैरह भी काफ़ी थोड़ी सी कॉस्टली है। कि यहाँ पे थोड़े फॉरेनर्स लोग भी यहाँ पे मतलब बसे हुए हैं, कुछ अरेबिक हैं, कुछ सूडान के हैं, कुछ साउथ अफ्रीकी हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ से हैं, नाइजीरियन भी हैं यहाँ पे रह रहे हैं। तो मेन मोटिव जो है यार, अब यहाँ पे हम जॉब करते हैं, किसी की सैलरी ज़्यादा है किसी की कम है, तो अगर आपकी सैलरी कम भी है तो आप ये PG अफोर्ड कर लोगे, और इससे सस्ता क्या ही PG होगा, 4500 या 5000 का जो आपको मिल रहा है। AC वाला ले लोगे तो मैक्सिमम, अगर आप AC ज़्यादा यूज़ नहीं करोगे तो मैक्सिमम आपका 5500 किराया जाएगा। अगर आप विदाउट AC भी लेते हो तो भी आपका नुकसान नहीं है, क्योंकि कूलर की हवा भी अच्छी खासी होती है, तो आपका 4500 का खर्चा आएगा मैक्सिमम, और उसमें खाना खर्चा सब कुछ है, आप यहाँ पर रहो तो सबसे बढ़िया रहेगा। बस ये है कि आपको खाने में कभी कभी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा कि आपके टेस्ट का नहीं बन रहा है, या आप जिस तरीके का खाना सोच रहे हो उस टाइप का आपको नहीं मिल पा रहा है, मतलब कि थोड़ा सा पराठों में कॉम्प्रोमाइज़ करना होता है, क्योंकि यहाँ के कभी कभी पराठे अजीब से बना देते हैं जो खाने लायक ही नहीं होते। तो बस यही है, अगर जिस दिन मेरे टेस्ट का खाना नहीं बनता है, जैसे कि रात में मेरे टेस्ट का हिसाब का खाना नहीं बना, रोटी सही बनी थी बट सब्ज़ी मेरे टेस्ट की नहीं बनी थी, बिल्कुल मुझे मज़ा नहीं आया खाने में, तो मैंने 2 ही रोटी खाई,
और फिर मैं बाहर चला गया, तो बाहर जाके मैं बनाना शेक पी कर आया था, बस इसी वजह से। आज संडे था तो आज जो नाश्ता बना था मॉर्निंग में आलू के पराठे बने थे, बट मैं लेट उठा, मैं गया नहीं। फिर इवनिंग में, फिर आफ्टरनून में जो खाना बना था अभी दाल चावल बने थे, तो दाल चावल मैंने खा लिए हैं और काफ़ी बढ़िया बने थे। दाल चावल, उड़द चावल, कढ़ी चावल, छोले चावल सब एक नंबर बनते हैं यहाँ पे, तो लंच बढ़िया होता है। तो भाई ये जो पीजी है ये गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों के लिए पीजी है। बॉयज़ की जो बिल्डिंग है इधर की साइड है, गर्ल्स की बिल्डिंग जो है उधर की साइड है। और जो खाना बनता है सबका ऊपर बनता है छत पे, रसोई ऊपर ही है सबकी, तो सब खाना लेने ऊपर जाते हैं। और यहाँ पे आपको वॉशिंग मशीन मिलेगी, वो भी छत पे रखी है, आप चाहो तो वॉशिंग मशीन में भी जाके कपड़े धो सकते हो। और कपड़े डालने के लिए ऊपर भी जगह है हमारे पास। अब जो जिसके पास बैल्कनी है वो तो बैल्कनी में डाल देते हैं, जिसके पास बैल्कनी नहीं है तो सीढ़ियों के पास भी रस्सी बंधी हुई है, आप चाहो तो वहाँ पर डाल दो कपड़े, या फिर टेरिस है, टेरिस जहाँ पर वॉशिंग मशीन से कपड़े धोते हो वहीं पर रस्सी भी बंधी हुई है, वहाँ पर कपड़े डाल दो। तो ये भी है, और काफ़ी बड़ा टेरिस है तो घूमने उमने के लिए भी आराम से है कि आराम से बैठो खाओ पियो। इवनिंग में जो है चाय भी बनती है, मॉर्निंग में चाय भी बनती है तो वो भी ले सकते हो आप। और नावांश पीजी से निकलते ही बाहर एक मार्केट है, तो यहाँ पे ए टू जेड सारी चीज़ें मिल जाती हैं, बस ये है कि थोड़ा सा कॉस्टली है। तो लगभग वैसे मैं सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में दे चुका हूँ, अगर इसके अलावा कोई भी और जानकारी हो तो आप डायरेक्ट वीडियो पर कमेंट कर देना, मैं उसका जवाब दे दूँगा। और मैं अपनी इंस्टाग्राम की आईडी भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप और उस पर जाके भी आप डायरेक्ट मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं उसका भी रिप्लाई कर दूंगा। बाकी वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और मैंने पीजी से रिलेटेड एक वीडियो और भी बनाई है, उसको भी देख लो। अगर कोई जॉब सर्च कर रहा है तो उससे रिलेटेड भी मेरे चैनल पर वीडियोज़ हैं, वो भी देख लो। और मेरे कुछ ऑफिस के ब्लॉग वगैरह हैं, आप वो भी देख सकते हो, उससे थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन वगैरह मिल जाएगी कि मैं कैसी जॉब करता हूँ, कहाँ करता हूँ। मेरी बेलसाई की वीडियोस भी हैं 2-3, तो आप वो भी देख सकते हो। और भाई अगर कोई चैनल पर नया आया है तो उसको सब्सक्राइब भी कर देना, उससे थोड़ा सा मुझे मोटिवेशन मिलेगा ताकि मैं आगे ऐसी वीडियोस बनाता रहूँ। अगर मैं ये पीजी छोड़ के कहीं जाता भी हूँ तो मैं उस पीजी का भी रिव्यू दूंगा आपको, ताकि आपको उस पीजी के बारे में जानकारी मिल सके। और मैं जाऊँगा तो मैं देखूँगा कोई सस्ता ही पीजी हो, ताकि ज़्यादा कॉस्टली ना पड़े किसी को भी, क्योंकि कोई स्टूडेंट होता है, कोई जॉब करने वाला होता है, किसी की सैलरी कम होती है, किसी की नॉर्मल ही होती है, तो सबको एक अफोर्डेबल पीजी मिल सके, बस मेरा मेन मोटिव यही है वीडियो बनाने का। तो भाई मैं अभी ये वीडियो एंड कर रहा हूँ, क्योंकि लगभग मैं सारी जानकारी आपको दे चुका हूँ। और अगर इसके अलावा भी कोई और जानकारी चाहिए तो मुझे डायरेक्ट वीडियो पर कमेंट कर देना, कमेंट करना 100%, उसके बाद मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करना, तभी मैं रिप्लाई करूँगा, क्योंकि ऐसे पता नहीं चलता कि आप किस रिलेटेड बात कर रहे हो। अब ऐसे डायरेक्ट आके कमेंट करोगे तो मुझे समझ नहीं आता है, और वीडियो पे कमेंट करोगे तो वीडियो को रीच भी मिलती है, और लाइक करोगे तो इससे भी रीच मिलेगी। बस सब्सक्राइब भी करके जाना ताकि ये वीडियो आगे ऐसी बनती रहे। और सभी को जय श्री राम।